दोस्तों यहाँ क्या बवाल मचा दिया है विद्युत जम्वाल ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अपने करियर की सबसे बेस्ट फिल्म लाते हुए दिख रहे विद्युत जम्वाल और यहाँ क्रैक का ट्रेलर तो ऐसा रहा कि इसे देखने के बाद इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्रैक के ट्रेलर को देखा जाए तो इस ट्रेलर में हमें कई सारे बड़े एक्शन सीक्वेंस दिखे जिन्हें कि इस फिल्म में देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा लाजवाब रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिल्म क्रैक के ट्रेलर में दिखने वाले उन सीन्स को जिनका कोई जवाब ही नहीं। नंबर वन, दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखिए क्रैक के ट्रेलर में दिखने वाले इस सीन को। दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक ब्रिज की रेलिंग के ऊपर विद्युत जम्वाल जो कि साइकिलिंग करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर हमें जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा है वो कुछ ज़्यादा ही जानलेवा है। दोस्तों इस तरह का सीन हम पहली बार कहीं देखने वाले जहाँ पर कि इतना ज़्यादा रिस्क लेकर किसी सीन को शूट किया गया है और यहाँ इसे देख भी लगता है कि आखिरकार ये फिल्म में कैसा रहने वाला है। नंबर टू, दोस्तों यहाँ फिल्म के लास्ट में हमें अर्जुन रामपाल और विद्युत जम्वाल आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे और इस बीच जो मोमेंट हमें फिल्म के ट्रेलर में दिखा है वो तो एकदम गजब का ही रहा है और जब फिल्म में फाइनली हम ये फाइट सीन देखेंगे तो यहाँ पर मज़ा आ जाने वाला है। जी दोस्तों यहाँ विद्युत जम्वाल के जो एप्स दिख रहे हैं और उनके साथ ही उनका जो लुक वो तो सब पर भारी है और ऐसे में यहाँ पर ये पक्का है कि इस बीच जो फाइट होगी वो पूरी तरीके से धूल उड़ा देने वाला है। नंबर थ्री, दोस्तों यहाँ विद्युत जम्वाल तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन करते हुए दिखे लेकिन यहाँ पर नोरा भी कहीं पीछे नहीं रही। दोस्तों यहाँ फिल्म के कुछ मोमेंट्स जहाँ पर कि नोरा भी विद्युत के साथ एक्शन करती हुई दिखेगी और इस बीच हमें एक ऐसा सीन देखने को भी मिला है जहाँ पर कि स्केटिंग करते हुए विद्युत और नोरा जो कि हमें एक खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और वो भी काफ़ी ऊँचाई से और यहाँ पर जिस तरीके से नोरा के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसे देख तो लग रहा है कि इसे रियल में शूट किया है और इस बीच यहाँ पर ये तो पक्का है कि ये काफ़ी रिस्की था। नंबर फोर, दोस्तों यहाँ फिल्म क्रैक के ट्रेलर में दिखने वाले इस सीन को देखिए। जी आज तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से विद्युत जो कि हमें साइकिलिंग करते हुए दिख रहा है लेकिन यहाँ पर हमें विद्युत की साइकिल स्टॉप रोड के भी नीचे से जाती हुई दिख रही है और इसी के साथ अंदाजा लग जाता है कि इस सीन को कितना ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से शूट किया गया। जी आज तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और क्योंकि देख लग रहा है कि यहाँ पर VFX का यूज़ काफ़ी कमी किया गया है तो ऐसे में विद्युत ने इसे रियल में किया है और इस बीच जो एंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है वो तो एकदम गजब का ही है और इस तरह के मोमेंट्स फिल्म में हमें कई सारे दिखेंगे लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही खास दिख रहा है। नंबर फाइव, अब उस टाइम फिल्म के शानदार हीरो से भिड़ने के लिए एक दमदार विलन तो चाहिए ही और यहाँ पर दिख भी रहा है कि अर्जुन रामपाल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसमें यहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिल रहा है जहाँ पर कि अर्जुन रामपाल हमें काफ़ी ऊंचाई पर एक रोप के ऊपर खड़े हुए दिख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर हमें एक और बंदा दिख रहा है और इस बीच अर्जुन रामपाल जो कि हमें हवा में झूलते हुए दिख रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर एक्शन भी करते हुए दिख रहा है तो इसमें दोस्तों ये माहौल सच में पूरी तरीके से स्केरी रहने वाला है और इसे देख सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी तो होगी और खासकर यहाँ पर अर्जुन रामपाल काफी लंबे वक्त बाद ऐसे एक्शन और स्टंट्स इस फिल्म में करते हुए दिखेंगे जो कि एकदम लाजवाब होगा। नंबर सिक्स, दोस्तों यहाँ इस ट्रेलर में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन तो देख ही लिया लेकिन यहाँ पर कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले जिन्हें कि बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता जिनमें से एक रहा है विद्युत और नोरा का मोमेंट। दोस्तों इस ट्रेलर में नोरा भी हमें काफ़ी ज़्यादा छाई हुई दिखी है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नोरा और विद्युत का एक डायलॉग सीन जहाँ पर कि विद्युत हमें नोरा को कहते हुए दिखते इंडिया पोलैंड कहाँ की है तू और ऐसे में यहाँ पर नोरा जो कि हमें कहती हुई दिखती है फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर के बाद यहाँ पर विद्युत जो गर्मी वाला डायलॉग मारते हैं वो तो एकदम इस सीन पर सूट कर रहा है। नंबर सेवन, दोस्तों यहाँ पर विद्युत जम्वाल के डायलॉग्स भी कई कम नहीं रहे और यहाँ पर हमें विद्युत जम्वाल का एक काफ़ी मज़ेदार डायलॉग सुनने को मिलता है और यहाँ पर विद्युत जम्वाल कहते हुए दिखते कि हमारे इधर भी सिम्बा सिंघम सूर्यवंशी एक साथ आते हैं। यानी कि दोस्तों इस फिल्म में काफ़ी कुछ इंटरनेशनल लेवल का दिखेगा लेकिन फिल्म में देसीपन तो होगा ही तो इसमें दोस्तों यहाँ काफ़ी गजब लग रहा है फिल्म क्रैक का ट्रेलर और इसे देखने के बाद इस फिल्म को देखने का मन 100% बन जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ आपको फिल्म क्रैक के ट्रेलर का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।